नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से थरा उठा। ताजा घटना के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने दर्जनों राउंड गोलियों की बौछार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना गुरुवार 6 मई 2021 की सुबह की बताई जा रही है। मृत युवक की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डढ़िया गांव निवासी जयमंगल राय के 30 वर्षीय पुत्र अमरेश कुमार राय के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस सिंघिया चौर स्थित घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत युवक के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी उस वक्त हुई जब स्थानीय ग्रामीण अपनी फसल देखने चौर की तरफ जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे गोली लगी व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर शोर मचाया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मृतक के भाई का कहना है कि युवक के पूरे शरीर में 7 से 8 गोलियां मारी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना की जानकारी देने के बाद भी कल्याणपुर पुलिस घटनास्थल पर 2 घंटा बाद पहुंची है। इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष कल्याणपुर परमानंद लाल कर्ण ने बताया कि अपराधियों को चिन्हित कर संभावित ठिकानों पर छापा मारी जारी है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आप लोग काहे कर रहे हैं? बजने दीजिए, जो कॉल है बजने दीजिए। अब कौन आदमी गए? अब अपन देखे के होते देखा ही रहता है आदमी। अब सच्चे नहीं करेगा। क्या कीजिएगा सर?